एक्टिव लर्नर्स पॉइंट पे आप सबका इस्तकबाल किया जाता है। ये वीडियो है जमात सुअम के बच्चों के लिए, लेकिन ये कहानी हम सब सुनने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। तो बच्चों, ये कहानी है जमात सुअम के लिए, तो इसे हम सभी सुनेंगे। तो कहानी का उन्वान है इत्तेहाद में बरकत है। तो बच्चों, कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं करूँगी आपसे एक सवाल। तो बच्चों बताइए कि इत्तेहाद यानी क्या? क्या आपको पता है इत्तेहाद की मीनिंग? तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। इत्तेहाद यानी इत्तेफाक, यानी मिलजुल कर रहना। इत्तेफाक यानी मिलजुल कर रहना, इत्तेहाद यानी इत्तेफाक से रहना या मिलजुल कर रहना। तो बच्चों, इत्तेहाद में बरकत है, इसका मतलब है कि मिलजुल कर रहने में बरकत है। तो बच्चों चलिए हमारी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इसे गौर से सुनिए, और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपका फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कहानी कैसी लगी। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो बड़ा ही नेक और शरीफ था। उसके चार बेटे थे, खूब हट्टे कट्टे और सेहतमंद, मगर किसी में बाप की कोई खूबी ना थी। चारों के चारों बेहद लड़ाका और झगड़ालू थे। हर वक्त किसी न किसी बात पर लड़ते रहते थे। एक दूसरे को मारना पीटना तो उनका रोज़ाना का खेल था। तो बच्चों, ये कहानी है किसी किसान की, जो बड़ा ही नेक और शरीफ था, और उसके कितने बेटे थे? चार बेटे थे, और वो कैसे थे? बहुत ही हट्टे कट्टे और सेहतमंद थे, मगर उनमें उनके बाप की कोई खूबी ना थी, क्योंकि वो चारों बहुत ही झगड़ालू थे और बहुत ही लड़ते झगड़ते रहते थे, और एक दूसरे को मारना पीटना तो उनका रोज़ का खेल था। तो किसान को उनकी ऐसी हरकतों पर बहुत दुख होता। उसने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि आपस में लड़ना झगड़ना बहुत बुरी बात है। वो बाप की बातों को एक कान से सुनते और दूसरे कान से उड़ा देते। तो बच्चों, जो किसान के बेटे थे, वो उसके उनकी वालिद की बात को नहीं सुनते थे और आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते थे। लेकिन किसान को उनकी ऐसी हरकतों से बहुत ही दुख होता था, और वो उन्हें हर बार समझाने की कोशिश करता था, लेकिन वो उस किसान की बात नहीं मानते थे। बेचारा किसान बेहद परेशान था। वो दिन रात यही दुआ मांगता कि अल्लाह मेरे बच्चों को अकल और समझ दे। जो किसान था वो बहुत परेशान होता था, और वो दिन रात अल्लाह ताला से दुआ मांगता था कि ये अल्लाह मेरे बच्चों को अकल दे और समझ दे। एक दिन बैठा बच्चों ही के बारे में सोच रहा था कि उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक दरख्त की बहुत सारी पतली पतली शाखें जमा की, 10-10 शाखों को रस्सी से बांध कर चार गट्ठे बनाए। लड़कों को बुलाया। जब चारों लड़के आए तो उसने हर लड़के को एक गट्ठा दिया। लड़के हैरत से कभी किसान को देखते, कभी एक दूसरे का मुंह तकने लगते। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। किसान, जो कि बहुत परेशान था और हर वक्त यही सोचता था कि इन बच्चों को कैसे समझाया जाए, इन्हें कैसे राह रास्त पर लाया जाए, तो अचानक उसे एक तरकीब सूझी। तो किसान ने क्या किया, पतली पतली लकड़ी की शाखें ली और 10-10 शाखों का एक एक गट्ठा बनाया, और उन्होंने इस गट्ठे को किसान ने अपने बेटों के हाथ में थमाया। लेकिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया कि ये माजरा क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या माजरा था इन लकड़ियों का। तो किसान ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों आओ, आज हम एक खेल खेलें। ये गट्ठे जो मैंने तुम लोगों को दिए हैं, तुम्हें इनको तोड़ना है। लड़कों ने ऐसी नज़रों से देखा जैसे कहना चाहते हो ये कौन सी बड़ी बात है। तो किसान के लड़कों को ये बात ऐसी लग रही थी कि लकड़ियाँ एक साथ, जो लकड़ियों के गट्ठे बंधे हुए हैं, उन्हें तोड़ना बहुत आसान बात है। लेकिन देखो क्या होता है आगे। किसान ने फिर कहा, तो शुरू हो जाओ, देखे सबसे पहले गट्ठा कौन तोड़ता है। चारों लड़के अपने गट्ठे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। वो काफ़ी देर तक ताकत आजमाते रहे, अपने जिस्म का सारा जोर लगाते रहे, मगर इनमें से कोई भी अपना गट्ठा ना तोड़ पाया। तो बच्चों, जब बच्चों ने, किसान के लड़कों ने लकड़ी के गट्ठों को तोड़ना चाहा, तो वो गट्ठे तोड़ ही नहीं पाए, क्योंकि अगर ज़्यादा लकड़ी अगर एक साथ होती है तो वो टूटती नहीं है, उसे तोड़ने में मुश्किल होती है। यही सब जो है किसान के बेटों के साथ भी हुआ। उन्होंने लकड़ियों को तोड़ने की कोशिश की
और अपने जिस्म का सारा जोर लगाया, लेकिन वो गट्ठा नहीं तोड़ पाए। लड़कों ने गट्ठे किसान को दे दिए। किसान ने एक गट्ठा खोला, शाखों को अलग अलग किया और हर बेटे को एक एक शाख दी और कहा, अब इसे तोड़ो। तो किसान ने क्या किया, फिर जब वो शाखें नहीं तोड़ पाए तो उस गट्ठे को तो खोल दिया और उसमें से जो शाखें थी एक एक शाख एक एक लड़के को दी और उनसे कहा कि अब तोड़ो। चारों ने फौरन कट चारों शाखें तोड़ दी। अब देखो बच्चों, जब हम गट्ठा खोल देंगे और वो जो लकड़ियां हैं वो एक एक हो जाएंगी तो उसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं। इसी तरह उन चारों ने भी किया और शाखों को कटाकट तोड़ दिया। तब किसान बोला, देखा बच्चों, जब ये शाखें एक दूसरे के साथ जुड़ी थी तुम इनको तोड़ नहीं सके थे, मगर जब ये अलग अलग हो गई तो तुमने कितनी आसानी से उन्हें तोड़ दिया। लड़के खामोशी के साथ बाप की बातें सुनते रहे। तो किसान ने उन्हें समझाया कि अगर ये शाखें जब एक साथ जुड़ी हुई थी तो तुम उन्हें तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन जब ये अलग अलग हो गई तो तुमने क्या किया, उसे आसानी से तोड़ दिया। और जो किसान के जो लड़के थे वो खामोशी से अपने वालिद साहब की बात सुन रहे थे। किसान ने कहा, याद रखो, अगर तुम मिलजुल कर रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जब तुम अलग अलग हो जाओगे तो कोई भी बड़ी आसानी से तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। जाओ खेलो कूदो, मगर आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ दो, मिलजुल कर रहो, समझ गए तुम? तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सबक मिलता है? यानी हमें भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। हम जब लड़ते हैं झगड़ते हैं तो हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और कोई भी हमारा फ़ायदा उठा सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो बच्चों, आज से ये सबक सीख लो और इस बात को याद रखो कि आप भी आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहनों भाइयों के साथ लड़ेंगे नहीं और मिलजुल कर रहेंगे। तो लड़कों ने हाँ में सर हिलाया और एक दूसरे का हाथ पकड़े बाहर निकल गए। किसान मुस्कुराता हुआ उन्हें देखता रहा। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक मुझे दीजिए। और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसे भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और फटाक से आपको वीडियो मिले। तो बच्चों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप और कौन सी कहानियाँ चाहते हैं। इंशाल्लाह हम ज़रूर ऐसी कहानियाँ बनाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको बार बार बता रही हूँ जो कि फ्री होता है। प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हमारी उर्दू ज़बान को फ़रोग मिले और अच्छे से पढ़िए। और अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।